दिस इज चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी हनीड्यू. ओके, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ, क्या आपका एक अच्छा मेमोरी है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपका मेमोरी कभी आप पर ट्रिक किया है? हाँ, कोई ट्रिक किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट. भुलक्कड़पन है ना, भूलना प्रायः क्या होता है कि आपको एक टाइट कठिन परिस्थिति में ला देता है. बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अपने जीवन का एक हिस्सा ही भूल जाना, ये लगभग आपको क्रेजी बना देता है ना. एक सना के पागलपन किया, ये कैसे हो गया, ये अपने जीवन की बातें कैसे भूल गए. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी. इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग वो पागल से हो जाते हैं. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें याद नहीं आता कि वो रांची में रुके हैं कभी. He has never been to रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं. हाँ, उन्हें याद है, वो कहते कभी रांची नहीं गए हैं. He insist, इस पर वो दृढ़ है कि वो कभी रांची नहीं गए हैं. Though there are many witnesses, यद्यपि बहुत से, हाँ witnesses मतलब हो गया साक्ष्य हैं, हाँ कि वो रांची गए हैं. To the कंट्ररी, कंट्ररी मैंने विपरीत, इसके विपरीत वो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं गए. इसके विपरीत बहुत से साक्ष्य हैं कि हाँ वे रांची गए हैं. व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, इन सब के बारे में क्या सस्पेंस है, इसमें सस्पेंस की क्या बातें हैं, इसे हम लोग देखते हैं. नाउ पार्ट वन. ओके ओके, यस यस, कमिंग. एवरी मंडे, प्रत्येक सुबह को ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से वापस आते हुए रास्ते में बिपिन बाबू बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण्स इन न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में कालीचरण के पास वो रुक जाते हैं टू बाय बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, कैसे स्टोरी वो लेते हैं, क्राइम स्टोरी, घोस्ट, भूत की कहानियाँ, रोमांचक थ्रिलर्स कहानियाँ, ये सब वो खरीदते हैं. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम, उन्हें 5 बुक खरीदना पड़ता है एक समय में. टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, पूरे सप्ताह ख़त्म करने के लिए. ही लिव्ड अलोन, वो अलग रहते हैं, है ना, अलग रहते थे, अकेले रहते थे. ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, वो एक अच्छे मिक्सअप वाले मैन भी नहीं थे, वो सबसे नहीं मिलते जुलते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स, और बहुत कम उसके मित्र थे. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, बेकार की बातचीत, चैट मीन्स बातचीत में वो समय नहीं बिताते थे. टूडे एट कालीचरण के पास जब वो आज रुके तो बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, तो उन्हें अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ, हाँ क्या फीलिंग हुआ, दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कोई उन्हें देख रहा हो. फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल नज़दीक से. ही टर्नड राउंड, वो मुड़े. एंड फाउंड, और उन्होंने पाया. हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस, कि राउंड फेस का गोल चेहरे वाला कोई उसे देख रहा था. हाँ, मीक लुकिंग, मीक मतलब होगा नम्र, हम्बल दिखने वाला व्यक्ति. हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जो मुस्कुरा पड़ा उनके देखते ही. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, उसने कहा, मैं नहीं समझता कि आप मुझे पहचानते हो. हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम लोग पहले मिले हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वो व्यक्ति बहुत आश्चर्य से कहा. वी मेट एवरी डे,
फॉर अ होल वीक, एक सप्ताह तक तो हम लोग एवरीडे प्रत्येक दिन मिलते थे. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल. वो कहता है कि मैं आपको हुंड्रू फॉल ले जाने के लिए एक कार भी अरेंज किया था, मैंने ही व्यवस्था किया था कार की. इन 1958 में ये व्यक्ति है ना कह रहा है, ये बिपिन बाबू हैं बुक लेके खड़े हैं. माई नेम इज परिमल घोष, ये व्यक्ति जो है कहता है मेरा नाम परिमल घोष है. रांची, वो आश्चर्य से कहते हैं बिपिन बाबू. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड, अब बिपिन बाबू को अनुभव हुआ दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक, कि वो नहीं बल्कि ये व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, वो बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, बहुत बार वो जाने वाले थे, जाने को थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी नहीं गए. ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ. द मैन रेज हिज आईब्रोज, वो व्यक्ति अपने आईब्रोज उठाया, बट हिज टंग बीट हिज टंग, उसने अपनी टंग जीभ को थोड़ा काटता और कहा, एंड सेड, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ. हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को. बिपिन बाबू नाउ टर्नड राउंड टूवर्ड्स द बुक सेप्स, अब वो बुक सेप्स की ओर मुड़े, हाँ बुक के अलमीरे की ओर, एंड इट सेड, और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम अब भी गलत कह रहे हो, गलत बता रहे हो. वन ऑफन डज, कोई भी ऐसा कर सकता है प्रायः, है ना, कि उससे गलती हो जाए. आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो रांची कभी नहीं गया हूँ. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा. व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी. यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू, आप हुंड्रू में गिरे भी थे, गिर भी गए थे. एंड कट योर राइट नी, और आपका जो राइट नी है वो भी कट गया था. यस yes. बोलो, आपका राइट नी कट गया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैंने ही आयोडीन भी लाया था. आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट, मैंने नेतरहाट जाने के लिए आपके लिए कार फिक्स किया था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन है ना, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सके क्योंकि आपके नी घुटने में दर्द था, पेन था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद हो सकता. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, आप एक और व्यक्ति को जानते हो जो उस समय रांची में था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे, है ना, वो बता रहा है. यू स्टेड इन ए बंगला, आप एक बंगला में रुके थे. एंड सेड यू डिड नॉट लाइक होटल, आपने बताया था, कहा था कि आपको होटल नहीं पसंद है, होटल फूड होटल का खाना पसंद नहीं है. एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची, और होटल के खाने के बजाय एक बावर्ची से खाना बनवाना पसंद है ना. वो बावर्ची बनाता है तो वो खाते हैं, होटल का नहीं खाते. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ आए हुए थे. यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और उनके साथ आपका एक आर्गूमेंट हुआ था मून लैंडिंग के बारे में, हाँ चंद्रमा में उतरने के बारे में. रिमेंबर, याद कीजिए. आई टेल यू मोर, मैंने आपको कहा था बार बार का, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स, और मैं आपको ये बताऊँगा कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग लेते हो जिसमें बुक्स होते हैं. इन इट ऑन योर साइट सींग ट्रिप्स, जब भी आप कहीं जाते हो ट्रिप्स में,
तो उस स्थान पे तो आप अपने बैग में बुक ले जाते हो, एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं, उस व्यक्ति ने यानी परिमल घोष ने कहा। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू बिल्कुल ही चुपचाप से वो बोले, है ना। हिज आईज स्टील ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अब भी बुक्स पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बोले कि किस मंथ की बात कर रहे हो 58 में, कौन सा मंथ। तो वो कहता है द मैन सेड अक्टूबर, अक्टूबर मंथ की बात है। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, ताकि कानपुर में एक फ्रेंड के साथ मैंने तो पूजा में गया था वहाँ, है ना। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो, गुड डे, उन्होंने उसे कहा गुड डे। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो व्यक्ति गया नहीं। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बातें करना छोड़ा, नहीं रुका। वो कहा वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वेरेंडा ऑफ योर बंगला, का एक शाम को मैंने आपके बंगला के बरामदे में चाय भी लिया था आपके साथ। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने बताया था आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, ये भी बताया था कि आपकी पत्नी 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स अगो आपकी पत्नी भी जा चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, इनसेन मतलब होता है पागलपन, है ना, मानसिक रोग में उनका छोटा भाई भी चला गया था वो। विच इज वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए रांची में आप मेंटल हॉस्पिटल में डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट, वहाँ नहीं जाना चाहा। वेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बुक्स के लिए बिपिन बाबू ने पैसे पेड कर दिए एंड वॉज लिविंग द शॉप, और उस शॉप से निकलने लगे, छोड़ के लिव मने जाना, छोड़ के जाना, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, वो व्यक्ति अब भी उनकी ओर देख रहा था इन अटर डिसबिलीव, अविश्वास के साथ। हाँ, तो ये पार्ट वन हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, वाई डिड द मैन स्टीयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव, क्यों अविश्वास से वो व्यक्ति बिपिन बाबू की ओर देख रहा था। बिकॉज ही न्यू दैट बिपिन बाबू हैड स्पेंट अ वीक इन रांची विथ हिम, बट बिपिन बाबू डिनाइड इट, है ना। ही सेड दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि वो कराची कभी नहीं गए, वो कह रहे थे, वो उन्हें देख रहा था विश्वास से कि नहीं ये तो गए थे। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, अक्टूबर 58 में बिपिन बाबू ने कहाँ गए थे, कहाँ बताया था, कानपुर गए थे वो बताए थे ना, हाँ, टू सेलिब्रेट पूजा विथ अ फ्रेंड, फ्रेंड के घर। नंबर थ्री, मेंशन एनी थ्री फॉर मोर फॉर और मोर, तीन बातें बताइए या इससे अधिक भी, दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष ने क्या तीन बातें बताया या इससे भी अधिक बातें बताया। तो पहला क्या बताया था कि ही ऑलवेज कैरी बुक्स इन बैग when he विजिट, जब वो विजिट में जाते हैं तो क्या करते, कैरी करते बुक्स अपने बैग में। और नेक्स्ट बताया था ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, हाँ, और फिर ये भी बताया था ही हैड पेन है या हर्ट इन हिज राइट नी, और क्या बताया था, when he was going to हुंडरू, और क्या बताया नेक्स्ट, तो हिज ब्रदर ऑल्सो डाइड इन सेंस, ये बहुत सी बातें उन्हें उसने कहा विपिन बाबू से। तो आज हम लोग पार्ट वन को पढ़े, पार्ट टू हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे, और इसका वीडियो
हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, 1, 2, 3, 4 सब का आपस में डाल देंगे। आप देख, 1 देख रहे हैं तो 2 देख सकेंगे, 3, 4 देख सकेंगे, हर एक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में रिटेन मैटर भी, हम इसका लिंक भी आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।